आज हमारे स्टूडियो में रांची से आए बड़े कथाकार, बड़े कवि और बड़े उपन्यासकार रणेंद्र जी हाजिर हैं। जोहार रणेंद्र भाई। जोहार भाई। जोहार है। जोहार जोहार भाई। ये हमारे लिए खुशी की बात है। रणेंद्र भाई हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और हमारे शहर आए, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता कि हम रणेंद्र भाई को सुने। रणेंद्र जी के बारे में है कि शास्त्रा जी एक बात कही जा सकती है, ये लगातार सक्रिय रहते आए हैं, कवि हैं, कथाकार हैं। इनका उपन्यास आया है ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, दोनों उपन्यास काफ़ी चर्चे में रहा है। इनका नया उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस जल्द छपकर आने वाला है। इनकी कहानियों का संग्रह है रात बाकी तथा अन्य कहानियाँ, और छप्पन छुरी कविताओं का संग्रह है छप्पन छुरी 72 पेज, वो भी कहानी संग्रह ही है। ये कहानी संग्रह, ये भी कहानी संग्रह है। और रेन भाई लगातार सक्रिय रहे हैं और देश भर में जाने जाते हैं। इन्होंने खासकर आदिवासी जीवन पर काम किया है और इनकी किताब अंग्रेजी में भी आई है। रेन भाई से बातचीत शुरू करें इससे पहले, झारखंड की कवित्री हैं निर्मला पुतुल, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो हमारी परंपरा है कि बातचीत शुरू होने से पहले किसी महत्वपूर्ण कवि की कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ आप दर्शकों को। तो निर्मला पुतुल की पंक्तियाँ हैं, सोचो कुछ देर के लिए ही सोचो पर सोचो, सोचो कुछ देर के लिए ही सही सोचो पर सोचो, कि अगर किसी पंक्ति में तुम सबसे पीछे होते, कि अगर किसी पंक्ति में तुम सबसे पीछे होते और मैं सबसे आगे, और तो और कैसा लगता अगर तुम मेरी जगह काले होते और चपटी होती तुम्हारी नाक, और तो और कैसा लगता अगर तुम मेरी जगह काले होते और चिपटी होती तुम्हारी नाक, पांवों में बिबाई होती और इन सब के लिए कोई फत्ती लगातार कसता और ज़ोरदार ठहाके लगाते। ये निर्मला पुतुल की पंक्तियां हैं। नरेंद्र भाई आपने आदिवासी जीवन को बहुत करीब से देखा है, हम तो पटना में हैं और आदिवासी जीवन को देखने का मौका बहुत कम मिला है, आपने देखा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जो आदिवासियों का जीवन होता है उसको साझा करें। तो रहन भाई उनका जो जीवन है वो कितने संकटों से भरा हुआ है। निर्मला पुतुल ने जो इशारा किया है उस निर्मला पुतुल की बातों को जोड़ते हुए आदिवासी जीवन पर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। स्वागत है। जोहर भाई। हाँ सहसा भाई। जोहर। निर्मला पुतुल की पंक्तियाँ बहुत सुंदर और जी स्वागत। कुछ चीज़ें जो गरीबी या जो मानदंड है आर्थिक विकास के नापने का, उस मानदंड पे चूंकि आदिवासी समाज उतर नहीं पाता है तो उसको हे दृष्टि से देखने का एक नज़रिया है वो। सही सही। लेकिन हाँ उसी दिशा में देखा है उसको, दिशा में देखा है अपनी कविता में कुछ। लेकिन जी जो पटना है या दिल्ली है या जो जिसको हम कहते हैं कि हृदय स्थली है, तो दलित तो यहाँ है, दलित विमर्श यहाँ है। हाँ, बिल्कुल। दलितों को समझने का, उनके आंदोलन को समझने का की एक परंपरा यहाँ रही है, लेकिन आदिवासी में यहाँ प्रदेश में गायब है। जी, झारखंड अलग होने के बाद और भी गायब हो गए। सही सही कहा। महिलांचल ही देखिए, वो हमारे अमर कथाकार और जहाँ से हिंदू उपन्यास की धारा ही मुड़ जाती है, प्रेमचंद से एक अलग धारा शुरू होती है वो, लेकिन महिलांचल में हर टोला है और हर टोले के चरित्र आपको दिखेंगे। लेकिन संथाल टोला टोले के तौर पे चिन्हित हो रहा है, वहाँ संथाल चरित्र नहीं दिखते हैं, यानी कि आप एक दृष्टा की भांति संथाल टोले को देख रहे हैं और दूर से देख रहे हैं उनके नाचने गाने को, उनके विद्रोह को, आप उस पर घुल मिल नहीं रहे हैं, आप वहाँ से किसी करेक्टर को उठा नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपने वहाँ जिया नहीं है या उनको नज़दीक से महसूस नहीं किया है। तो जो महिलांचल की जो सीमा है वही सीमा पटना की भी या बिहार की भी है। जी, सच बिहार गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम किया था, उसमें आदिवासी जीवन पे बात करने के लिए बुलाया गया था, उसके पहले दलित जीवन पे या दलित विमर्श पे बातें हो रही थी। तो मैंने महसूस किया कि दलित विमर्श से जो लगाव था लोगों का, बिहार के लोगों का जो अटैचमेंट था और जिस ढंग से उद्वेलक था पूरा सारा कुछ, कैटलिस्ट की तरह से लोग उससे एक एक शब्द से अपने को जुड़ाव और तालियां बजाना, क्वेश्चन करना, आदिवासी
जब मैंने चर्चा शुरू की तो एक सन्नाटा था पूरे माहौल में, ना कोई सवाल ना कोई चेहरे पे कोई भाव दूर करने के लिए। हाँ, उन्होंने काफी काम किया है। तो ये है ये क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं उनको। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि बैरियर एलविन से लेके और एस सी राय और विद्यार्थी जी तक, मैंने जो भी मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी से कहते हैं एक शाखा एक डिसिप्लिन के तौर पे तो स्वागत है, ठीक है, लेकिन उसने एक कॉलोनी कॉलोनियल पावर के हाथ में अपने वैश्विक ताकत के हाथ में एक टूल्स के तौर पे भी काम किया है। और वो अलगाया उसने और उसने आदिवासियों को एक प्रिमिटिव नजरिए से देखने की एक दृष्टि विकसित कर दी है कि आप उसको प्रिमिटिव नजरिए से देखिए। वो देखने की चीज है, उनका टोटम ये होता है, टोबू ये होता है, उनका घोटुल ये होता है, फलाना ढकाना, उनका मरण से लेके जन्म तक के संस्कारों को देखिए, अध्ययन कीजिए, मतलब कोई अजीवा तरह की चीज हो, कोई अलग हो, आदर्श में बांट दिया उसने। दिक्कत ये है कि वो बी का हिस्सा बनाने में एंथ्रोपोलॉजी ने, एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन ने भूमिका निभाई कि बी द पीपल ऑफ इंडिया में हम बी, जब हम बात करते हैं बिहार के लोग तो वहाँ आदिवासी नहीं होते हैं। नहीं, सही। आदिवासियों को वो अदर्श समझ के कि वे लोग ऐसा करके हम समझते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं और मैं बात कर रहा था बिहार में, तो मैंने बताया था कि पाल वंश के पतन के बाद बिहार के बड़े हिस्से पे चेरो लोगों ने शासन किया था, मुजफ्फरपुर में, चंपारण में, सारण में, अब भोजपुर उनका केंद्र था, उनके चार वंश शासन कर रहे थे चेरो लोगों के, चार राजवंश, भोजपुर उनका एक केंद्र था। और डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने लिखा है लेख, और जो बिहार का जो हिस्ट्री किताब है उसमें वो लेख शामिल है कि कैसे उनके किले और ये सब चंपारण में और मुजफ्फरपुर में और सारण में, मतलब ये अगर ये बात कही जाए कि आदिवासियों ने आपके ऊपर शासन किया है तो बड़ा प्रतिष्ठा की हानि बिहार के लोग को, बड़ा युगो को चोट पहुंचेगी, लेकिन ये सच्चाई है। भोजपुर में जब उज्जैनिया राजपूत जब आए और उनके पीछे मुगल खड़े हुए, तो 1400 से 1600 200 ईस्वी तक चेरो शासकों ने उनका विद्रोह रिवोल्ट माने उनके उनका विरोध किया, उनकी ताकत का प्रतिकार किया। 200 सालों के बाद वो पीछे हटे और फिर रोहतास तक सिमट के रह गए, उसके बाद फिर पलामू में सिमट के रह गए, लेकिन लगभग 400 साल तक वो बड़े इलाके पे शासन करते रहे। उसके बारे में आपके बिहार के इतिहास में या भारत के इतिहास में एक पंक्ति दर्ज नहीं है। तो हम कितना समझ रहे हैं आदिवासियों को, वो समझिए। हम केवल निर्मला पुतुल की उन कविताओं में जिनमें केवल वो उनकी गरीबी का भाव विवल विवरण है, चूंकि मार्केट को वही चाहिए, तो वो हम समझ में आती है बात। लेकिन वो शासक रहे हैं लंबे समय तक, अब वो मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक राजगोंड, रानी दुर्गावती जिनको हम जानते हैं, मुगलों से इन्होंने टकराया, युद्ध किया था, तो वो गुप्त काल के बाद से ही, गुप्त काल के समय से ही इलाहाबाद में जो उनका शिलालेख है समुद्रगुप्त की विजय गाथा का, उनके पुत्र ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने खड़ा किया था, उसमें 12 आत्विक राज्यों का जिक्र है जिनको हराया था समुद्रगुप्त ने, फिर उनको मुक्त कर दिया था। यानी कि 12 जनजातीय शासक उन इलाकों में शासन कर रहे थे जिसमें राजगोंड बहुत प्रमुख थे। ये ढंग से चेरों के चार कुल अलग अलग जगह पर शासन कर रहे थे, राजगोंडों के भी चार राजवंश अलग अलग शासन कर रहे थे। इसमें गढ़ा का जो राजवंश था गोंड लोगों का वो बड़ी प्रमुख था, हिम्मत शाह उनके बेटे दलपत शाह से, दुर्गावती जो है वो राजपूत थी, क्षत्रिय कुल की कन्या थी, लेकिन अब हिम्मत शाह के शासन काल में गढ़ा में जो है सोने चांदी के सिक्के जारी हुए थे, इतनी संपन्नता थी, उस कारण से क्षत्रिय लोगों ने अपनी बेटी का शासन शादी जो है उनके यहाँ गोंड लोग के यहाँ शादी की थी। तो ये भी वो राजगोंडों का शासन देखिए, तो गुप्त काल से लेके फिर ब्रिटिश पीरियड तक, और इलाका जो है मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और आंध्र का बॉर्डर, यानी कि यूरोप के कई देश उसमें समा जाएंगे, तीन चार देश तो आराम से समा जाएंगे। अवधि भी 600 से 800 साल की है, लेकिन भारत के इतिहास में हम उसका जिक्र करने में हमको शर्म आती है कि राजगोंडों ने शासन किया 800 सालों तक, ये हम नहीं कहते हैं। इससे दिल्ली में बैठे हुए जो इतिहासकार हैं या पटना में बैठे हुए इतिहासकार हैं उनकी गरिमा थोड़ी सी कम हो जाती है कि हम आदिवासियों को शासक के तौर पर कैसे दिखा सकते हैं। काफी विस्तार से
बातें चली जाएंगी। वो जो झारखंड में जो 80 और 90 के दशक में जो एक आंदोलन हुआ था और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। वही है जो मैं जिस और झारखंड जिस उपेक्षा की बात मैं अभी कर रहा हूँ, ये उपेक्षा सदियों से है। सदियों से है ये कि आप मान के नहीं चल रहे हैं। अब आप अजात शत्रु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र का उदय हो रहा है, तो जिनसे टकराहट होती है पाटलिपुत्र को, वो सारे जनजातीय संघ हैं जो बज्जी महासंघ के तौर पे खड़े हैं। और बज्जी महासंघ के साथ टकराहट और बड़ी षड्यंत्र पूर्वक ढंग से आप उसको हराते हैं गणिकाओं का सहारा वारा लेके। तो यानी कि एक ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में जो राजतंत्र खड़ा हो रहा है, उसको जो एगलिटेरियन सोसाइटी का जो शासन व्यवस्था है उससे दिक्कत है, समझिए इस बात को। और लिच्छवियों को तो इस ढंग से पराजित किया गया कि नेपाल तक पहुंचा दिया गया। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो है वो अर्थशास्त्र के उद्धरणों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं अपने लोकायत में कि कौटिल्य को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है मौर्य साम्राज्य के विस्तार में कि जनजातीय संघों से कैसे निपटा जाए। कौटिल्य उसके बताते हैं कैसे उनसे निपटना है। उनका कहना है कि उनको 10-10 की संख्या में दूर में बसाया जाए, उनसे खेती करवाई जाए, उनसे तलवारें छीन ली जाए और उनको आपस में मिलने नहीं दिया जाए, तभी मगध का विस्तार हो सकेगा। तो जो जो जनजातीय संघ एक एक समानांतर शासन व्यवस्था के तौर पर इस देश में था, जो जो ब्राह्मणिकल शासन व्यवस्था या राजा के तौर पे देवता की स्थिति, एक एक पिरामिड टाइप की आप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे, उसके लिए सबसे एक समानांतर व्यवस्था थी। ये आज भी जो चीजें शुरू हुई थी कौटिल्य और उसके समय से आज भी वही चल रहा है कि ब्राह्मणिकल जो जीवन पद्धति है या स्ट्रक्चर है दूर दूर तक उसको स्थापित किया जाए, वो आज भी चल रहा है कौटिल्य से लेकर आज तक। तो अगर इसके समानांतर कोई देशज चिंतन और संस्कृति खोजनी है तो आपको जनजातीय संघों से लेकर आदिवासी जीवन की संस्कृति तक समझना होगा इस बात को। तो ये जो हमारे यहाँ जो आंदोलन शुरू हुआ तो उसी घुटन से पैदा से शुरू हुआ कि आप हमको आप वही समझ रहे हैं जंगल में रहने वाले लोग और कंदमूल खाने वाले लोग, आप हमारे इतिहास से वाकिफ नहीं है, हमारी संस्कृति से वाकिफ नहीं है, लेकिन आप हम पर शासन करना चाहते हैं, उस कारण से शासन अलग हुआ। दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जहाँ जहाँ आदिवासी हैं, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से सारे मिनरल्स वही हैं। जी जी बिल्कुल, सारे नदियों का उद्गम भी वही है। जी, 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 तो लूट भी वही होनी है, जो लूट पर आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं तो विस्थापित भी उन्हीं को होना है। तो अपने ग्लोबल गांव के देवता के तौर पे जो मैंने जिस भेड़िया अभयारण्य की चर्चा की है वो नेत्रहाट फायरिंग रेंज के ही बारे में मैंने जिक्र किया है। जी, मैं आऊंगा आपके उपन्यास पर भी आऊंगा, नहीं उससे जुड़ा हुआ वो मामला है। जी, मैं आता हूँ। देखिए मेरा एक प्रश्न है, उसके बाद उपन्यास पर हम आते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति जो हमारे आदिवासी समाज की है तो वो पहले से बेहतर है या बदतर स्थिति में है? हमारा जो लेखन आदिवासी लेखन है वो पहले से बेहतर है या बदतर स्थिति में है, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि हम बिहार में बैठकर पहले हमारे झारखंड हुआ नहीं है क्या कि जी। तो आप तो एक मिडिल क्लास तो है। जी जी, जो पांच बड़ी जनजाति, देखिए 32 जनजातियां हमारे यहाँ हैं, तो 32 का एक तो होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, जैसे ही समझिए इस बात को कि दिक्कत यही है कि लोगों को कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है। जैसे आप मुसलमान कहते हैं तो मुसलमान कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, उसी ढंग से जब आप आदिवासी कहते हैं तो कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। वहाँ बड़े समुदाय भी हैं जो बहुत सदियों से कृषक रहे हैं, धान की खेती ही कहा जाता है कि मुंडा लोगों ने सिखाया है। सही सही सही। तो जो मुंडा हैं, संथाल हैं, हो हैं, खड़िया हैं, उराव हैं, बड़े कृषक लोग हैं, शासक रहे हैं ये लोग। अब सोचिए कि 1238 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति आता है और उदंतपुरी बिहार शरीफ में पाल शासक को जो हराता है, उसको हजारीबाग में रोकता है संथाल शासक। जी समझिए इस बात को, ये तो हमारे इतिहास है। हाँ जी, कहीं उसका जिक्र नहीं है, लेकिन एक भोजपुर के गजेटियर में, शाहबाद के गजेटियर में एक पंक्ति मिलती है कि जंगल संथाल, लेकिन गलत लिख रहा है क्योंकि संथालों में स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है और वहां जो शासक होते हैं उनकी टाइटल होती है रपाज या किस्कू, जिनकी टाइटल किस्कू होगी या रपाज होगी यानी कि वो शासक रहा है, तो कोई ना कोई शासक रहा होगा रपाज या किसको, उनके यहाँ जो मुर्मू हैं वो पूजा कराते हैं, सोरेन उनके यहाँ सैनिक लोगों की टाइटल होती है, तो एक बजाबता स्टेट का वहाँ विकास है। जी, तो वो रहा है। तो मैं क्या प्रश्न था ये?
हकी स्थिति तो एक एक जो बड़ा सा बड़ा जो जनजातीय समुदाय है उसमें मिडिल क्लास है, ठक्कर बापा का जो आंदोलन स्कूल से वहां खड़े हुए, मैं दोनों पढ़ चुका और वो वर्तमान आदिवासी समाज पर भी और आदिवासी लेखन पर भी। हाँ ठीक है जी, तो एक अच्छा खासा मिडिल क्लास है, आईएएस है, आईपीएस है, कॉलेज में टीचर्स हैं, तो उनको प्रिमिटिव रूप से तो देखना बंद करना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर में तो जब से स्टेट अलग हुआ है तो 50 से ज्यादा बने, वो जो यूएनआर होता है जनरल कैटेगरी में उसमें प्रतिभा के बल पे ट्रैवल बच्चे आते हैं उसमें डिप्टी कलेक्टर के तौर पे बिल्कुल आते हैं। तो ये एक तो अलग कम्युनिटी है जो पांच बड़ी जनजातियां हैं वहाँ रांची विश्वविद्यालय में, लगभग 25-30 साल से वहाँ अलग से विभाग खुला है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का। और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में अमेरिका में डॉक्टर रामदयाल मुंडा प्रोफेसर थे एंथ्रोपोलॉजी के, कुमार सुरेश सिंह ने बीसी रांची के तौर पे उनसे वो आमंत्रित किया। अब सोचिए वो आदमी रिजाइन किया वहाँ, पत्नी उनकी अमेरिकन थी जी। उनको ठीक है कि वो आई बेचारी एडजस्ट नहीं की और दोनों के बीच में अलगाव हो गया, लेकिन आज भी अगर देख लीजिए तो 90% आदि महानगरों का वो अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेने के लिए वो बेचैन है, व्यग्र है कि किसी ढंग से हमको अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाए। उस समय वो व्यक्ति अपना नौकरी लगाई नौकरी छोड़ के आता है, केवल की भाषा से उसको प्यार है, इस कारण से वो विभाग खड़ा करता है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग। ये महानता डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की, तो वहाँ भाषा पे भी काम हो रहा है। ठीक है कि उसकी अपनी हैं कमियां रहती हैं, वो तो हर जगह रहती है, व्यवस्थागत त्रुटियां तो रहेंगी, व्यवस्था है त्रुटियां होंगी, लेकिन जो डेडिकेशन है वहाँ का जो मिडिल क्लास है उसका जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, और आज नहीं है, अब जिनको हम मरांग गोमके कहते हैं जयपाल सिंह मुंडा, वो ब्रिटिश पीरियड में आईसीएस करते हैं, सोचिए कम्पीट क्या बात है। सोचिए तो खूंटी का एक गांव का लड़का अपनी प्रतिभा के बल पे वो जाता है ब्रिटेन पढ़ने के लिए, और जिस समय हिंदुस्तान का एलीट क्लास अरविंद घोष और टैगोर फैमिली के लोग, उस समय आईसीएस करता है वो आदमी, बहुत अच्छे। और ट्रेनिंग पीरियड में चूंकि उसको ओलंपिक में हॉकी के खिलाड़ी भी थे, उनको कैप्टनशिप करनी थी, तो ट्रेनिंग कम छोड़ देते हैं, वो आईसीएस छोड़ते हैं हॉकी के कैप्टन होने के लिए ओलंपिक में, और गोल्ड दिलवाते हैं भारत को, बहुत और व्यक्ति फिर वो संविधान सभा का सदस्य होता है अपनी विद्वता के कारण, पीएचडी की थी उन्होंने जी, जी। सोचिए उस समय सर, इसलिए प्रिमिटिव सोचना जो है आदिवासी कोई ऐसा ही गरीब आदमी लंगोटी पहन के घूम रहा है, इसको सोचना बंद करना चाहिए। कार्तिक उराव साहब जो है नेहरू जी जो है पंडित नेहरू, कार्तिक उराव को लंदन के वो न्यूक्लियर किसी प्लांट में उनको काम करते हुए वैज्ञानिक तौर पर पाए थे, उनको लेकर आए थे, तो न्यूक्लियर में फिजिक्स में काम कर रहा आदमी, सोचिए 50s में एक ट्राइबल आईसीएस कर रहा है 50s माने ब्रिटिश पीरियड में, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, और ये कुछ नाम चंद नाम है जो मुझे याद हैं, तो बड़ी संख्या है इसकी, लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक चल जाइएगा तो बड़ी संख्या मिलेगी जो इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं पिछले 50-60 साल में, लेकिन मीडिया को और लोगों को बिरहोर चाहिए, जरवा चाहिए, बंदर खाने वाले असुर चाहिए, भाई आपने तो ये जो है कहा, नहीं, तो सिलसिला तो ऐसा ही चलता चला जाएगा। हम आपके उपन्यास पढ़ाना चाहेंगे भाई, जो आपका उपन्यास है ग्लोबल गांव की देवता, तो इसमें क्या खास बात है, क्या विषय वस्तु है? एक्चुअली मेरी पोस्टिंग वहाँ पे उस इलाके में है। कौन से इलाके पर? ये बिशुनपुर है गुमला जिले का। अच्छा, असुरों की अब जरासन कहा जा रहा है कि असुर कुल के शासक थे, गयासुर ने गया बसाया था, बानासुर के किले और उनके भोजपुर के आसपास पाए जाते थे, राजगीर से एक सड़क गई है असुरिन, और मुंडालों के आने के पहले असुर जो है वहाँ आयरन मेल्टिंग माने लोहा पिघलाने वाली पहली जाति, वो अगरिया मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कहलाती है, तो अगरिया हों असुर हों सब उपजातियाँ हैं, और अंगिरा ऋषि वेदों में ऋग्वेद में अंगिरा ऋषि पाए जाते हैं जिन्होंने अग्नि की तलाश की थी, जिन्होंने धातु की तलाश की थी, और बहुवचन में अंगिरस होते हैं वो जी, जी, जी। और वहाँ से वेद ही कह रहा है कि दो धाराएं जो आर्यों की एक सुर और असुर की ओर, जो धातु और अग्नि की ओर गया वो असुर कहलाए, और अंगिरस से ही वो अभ्रंश होकर अगरिया या अंगिरा से वो अगरिया बना है, क्योंकि वही धातु का ही काम असुर करते थे जी, जी। और मगध का जो विस्तार हुआ साम्राज्य के तौर पे मौर्य काल में, तो दो चीजें उन इलाकों से आई, एक तो लोहा आया, बाकी जब लोग तांबा का इस्तेमाल कर रहा था युद्ध अस्त्र के तौर पे, लोहा दिया असुरों ने उनको युद्ध अस्त्र के तौर पे, तो वैज्ञानिक सत्य है ये, ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरा हाथी वहां से,
अब वो सिकंदर की सेना के सामने महापद्मनंद की सेना जो है हाथियों के साथ खड़ी है, और यूरोप के लोगों ने हाथी देखा ही नहीं था, नदी पार करना वो भूल जाते हैं, लौटते हैं वहां से, तो ये जो हाथी आ रहा है झारखंड से, लोहा आ रहा है झारखंड से, उसने मगध को मगध बनाया, मगध के साम्राज्य को पूरे अशोक के समय में पूरे भारत को एक, तो ये उसकी देन रही है। तो ये असुर जो है, फिर मुंडा चूंकि शासक थे, आए तो रांची से पीछे ठेले गए, उराव जो रोहतास से आए तो और पीछे ठेले गए, तो आज जो है वो पहाड़ के ऊपर चौरस जो पाट क्षेत्र कहलाता है, पूरी बात सुन लीजिए सर, तो वहां ठेलते ठेलते आप उनको धरती के आखिरी सीमा तक पहुंचा दिए, पहाड़ के ऊपर पहुंचा दिए, और पिछले 40-50 साल से आप वहां बॉक्साइट निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल तो रहे हैं लेकिन बॉक्साइट निकालने के बाद गड्ढों को आप भर नहीं रहे हैं। लीज पे जो सरकार आपको देती है जमीन, वो लीज के बाहर पहले आपको माइनिंग करनी है, इलीगल माइनिंग खेतों में और जंगलों में और जो गैर मजरूआ जमीन है, और कहीं कोई गड्ढा भरना नहीं है जी। तो वो जो पीड़ा है, वो जो कि वहां से जब उजड़ेंगे, वो 9000 आबादी है मात्र बची हुई, वहां से उजड़ेंगे तो व्यक्ति के तौर पर तो जिंदा रहेंगे लेकिन समुदाय के तौर पे वो मिट जाएंगे, और ये चल रहा है, सच्चाई है ये, कि फिर वो ना उनकी कोई भाषा बचेगी, ना उनकी अपनी संस्कृति बचेगी, ना कोई गीत बचेगा, ना विवाह का गीत, ना संस्कार का गीत, जिस भाषा के विकास में उनके पूर्वजों ने 1000 साल लगाए होंगे, जो आसुरी भाषा जो है ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की ही, वो भाषा नष्ट हो जाएगी, सारी पूजा पत्तियां नष्ट हो जाएंगी इंडिविजुअल के तौर पर। तो जो काम इंद्र ने शुरू किया था असुरों से युद्ध का, वो टाटा और ये कंपनियां आज उसको पूर्णाहुति कर रही है। वो पीड़ा जो है, वो पीड़ा का जो मैं कर नहीं सका उनके लिए, वो उस रचना में आया उपन्यास में। और अरविंद जी, आपका नया उपन्यास भी आने वाला है, हमारे दर्शकों को संक्षेप में उस नए उपन्यास के बारे में। सर है क्या कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसकी शुरुआत होती है क्रौंच वध से। एक पंछी की हत्या से द्रवित होके एक हत्यारा जो है कवि बनता है, और रामायण जैसा महाकाव्य रचित होता है। समय हमारा इतना बुरा आ गया है कि हम इंसानों को घर से खींच के मार दे रहे हैं। सही सही सही, सहमत। तो वहां से कोई रचना आनी चाहिए थी, यहाँ अगर कुछ है बचा हुआ पानी। और जो कह रहे हैं कि वो एक्सक्लूजन आज का मुख्य स्वर हो गया पूरी दुनिया का, कि इसको हटाइए, ये हमारा नहीं है, ये अदर्स है, तो भारतीय संस्कृति को जो लोग चाह रहे हैं कि रिड्यूस करके हम धर्म तक सीमित कर दें, जी बिल्कुल यही हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। संस्कृति एक बहुत व्यापक शब्द है। हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के विकास में, पूर्वजों ने हमारे सभ्यता के विकास के जितने उपक्रम थे, जितनी अच्छी चीजें थे, उनको शामिल करके संस्कृति बनी है। और हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान को लोग क्लासिकल म्यूजिक से, हिंदुस्तानी संगीत से जानते हैं, और हिंदुस्तानी संगीत की जो परंपरा है, जो गोपाल नायक और अमीर खुसरो के मिलन से शुरू हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय से, और वहां से ध्रुपद का गायन शुरू हुआ था, और वो आया था अकबर के दरबार में तानसेन के पास, और वहां जवान हुआ वो, फिर मोहम्मद शाह रंगीले में आकर वहां ख्याल गायकी आई जी। और बाजी अली शाह के पास आकर फिर ठुमरी ने अपना पूरा रूप रंगत लिया, और वो फिर घरानों में जब बादशाह खत्म हो गए तो घराने जी, घराने शुरू हुए जी। तो ये हमारे उपन्यास के विषय। आप संगीत से कैसे मुसलमानों को निकालिएगा, और बड़ो बाबा अलाउद्दीन खान जो है मैहर के, जिन्होंने कई चीजों को तोड़ा था और कई चीजें गढ़ी थी, किस वो मैहर की शारदा देवी का पट जो है उनके गायन से शुरू होता था, उनके गायन से बंद होता था, 500 सीढ़ियां चढ़ते थे वो, बुढ़ापे में उस ओर मुंह करके गायन करते थे, 1200 शिष्यों में 800 से ज्यादा शिष्य उनके हिंदू थे, बेटी अन्नपूर्णा ने रविशंकर से शादी की थी, कोई विरोध नहीं, बाद में क्या हुआ अलग बात है। तो मेरे उपन्यास का जो करैक्टर है वो महतबुद्दीन खां उसी ढंग के अलाउद्दीन खां साहब जैसे ही, उनके ही एक भाई उनके मुंह बोले उनके गांव के, उनका विकास भी वैसा ही हुआ है जैसा अलाउद्दीन खां साहब, उनके परिवार में जो दामाद लोग हैं वो जानबूझ के लाए गए हैं वहाँ उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो वो गोरखपंथी लोग होते हैं, तो कनफट्टा जोगी जो होते हैं जो भरथरी गाते हैं, तो बड़ी संख्या मुसलमानों की थी जो गड़वा वस्त्र पहन के भरथरी गाता था। मुगल काल में उन्होंने कुछ नहीं बदला अपना स्वभाव और अपना गायन, ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने नहीं बदला, लेकिन पिछले 20-25 सालों में खत्म हो गए, खत्म कर दिया गया बजरंगियों ने भी और कट्टर मुस्लिम युवाओं ने भी, उनको डांट डांट के डपट के गाली देके, और आज नहीं पाए जाते हैं। तो एक करेक्टर वहां से है हमारे खुर्शीद शाह जोगी, वहां दामाद है उस घर के। एक हमारे यहाँ बाउल है कलकत्ता और हमारे बॉर्डर पे, वो भी लालन शाह फकीर
मतलब कि वहाँ सहजिया बौद्ध सूफी और वैष्णव का त्रिवेणी है, वो खत्म नहीं हुआ है, आज भी जिंदा त्रिवेणी है, नमाज भी पढ़ते हैं, वह वैष्णव भी गाते हैं। तो एक करेक्टर हमारा वहाँ से, जो नायक हमारा है वो कमल कबीर वहाँ से है, उस बौल परिवार से है, लेकिन सब वो शास्त्रीय गायन के परंपरा से जुड़े हैं, उस खानदान से, लेकिन इस समय में एक एक करके मारे जा रहे हैं। जी, जी, जी। ये तो मारे इस कारण से, हाँ इस तो कारण से उस उपन्यास का शीर्षक जो है गूंगी रुलाई का कोरस है, रुलाई है क्योंकि कई लोग मारे गए इसलिए कोरस है, लेकिन गूंगी है, समय उनको खुल के रोने का भी अवसर नहीं दे रहा है। ये तो हमारा तो रचनाकार की कलम का का ये नैतिक दायित्व है कि जो तबका सबसे संकट में हो, हिंदुस्तानी सभ्यता की तहजीब की जो चीजें सबसे संकट में हो, उसके पक्ष में वो खड़ा हो। तो मैंने कोशिश की है कि उसके पक्ष में खड़ा हो। नहीं, हम बधाई देते हैं आपको जनशक्ति की तरफ से और प्रजातंत्र टीवी की तरफ से। रेन भाई, आप बहुत अच्छे कवि हैं और आपकी कविताओं की किताब आई है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ वहाँ से, संदर्भ पर तो मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, वहाँ से एक दो कविता, दो कविताएं कम से कम हमारे दर्शकों को। जो मैंने कहा कि जहाँ जहाँ इंडिजिनस पॉपुलेशन है, आदिवासी समाज है, वहाँ मिनरल्स है, वहाँ जंगल है, वहाँ नदियों का उद्गम है, बांध भी वहीं बनेगा, जंगल भी वहीं कटेगा, खनिज भी वहीं निकलेंगे, तो जमीन से विस्थापन एक बड़ी समस्या है। ये तो उसको, हाँ तो उसको लेकर कुछ कविता की चंद पंक्तियाँ हैं। स्वागत। शीर्षक है समझिए साहब। जी स्वागत है, स्वागत है, समझिए साहब, स्वागत। कैसे समझाएं साहब, एक खतियान में दर्ज जमीन के टुकड़े भर नहीं हैं। बहुत अच्छे। हमारे खेत हमारी भूख का विस्तार हैं, हमारे होने के सबूत। ये खतियान में दर्ज जमीन के टुकड़े भर हमारे खेत हमारी भूख का विस्तार हैं, हमारे होने के सबूत। यहाँ की हवा में हमारे पूर्वजों की सांसें घुली हैं, उनकी देह का ताप शेष है इस पीली धूप में अब भी। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ की हवा में हमारे पूर्वजों की सांसें घुली हैं, उनकी देह का ताप शेष है इस पीली धूप में अब भी। सब जानते हैं साहब, विश्व विजयी हैं आपके यज्ञ के अश्व, आपकी चतुरंगणी सेना, अरज बस इतनी कि यहाँ आहिस्ता धरिएगा पांव। बहुत खूब, बहुत खूब। यह मिट्टी हमारे पूर्वजों की राख से बनी है, उनकी पसीने की नमकीन गंध और हमारे बच्चों की किलकारियां उठंग कर सोई हैं यहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अरज बस इतनी कि यहाँ आहिस्ता धरिएगा पांव, यह मिट्टी हमारे पूर्वजों की राख से बनी है, उनकी पसीने की नमकीन गंध और हमारे बच्चों की किलकारियां उठंग कर सोई हैं वही। और हरितमा की गहरी जड़ों से जुड़ी है हमारी सभ्यता की जड़ें। बहुत खूब। पहाड़ नदी पेड़ों में हमारे देवताओं का वास है। हरितिमा की जड़ों से जुड़ी है हमारी सभ्यता की जड़ें, पहाड़ नदी और पेड़ों में हमारे देवताओं का वास है, और इस साखू का क्या करेंगे, इसकी जड़ें मरती ही नहीं, हर चट्टान फोड़कर फुनकती हैं। इस साखू का क्या करेंगे, इसकी जड़ें मरती ही नहीं और हर चट्टान पर फोड़कर फुनकती हैं। अंतिम पैरा है कि हर गर्जन पर भारी हैं महुआ के टपकने, गुलैची के खिलने और धान में दूध भरने की ध्वनियां। हर गर्जन पर भारी हैं महुआ के टपकने, गुलैची के खिलने और धान में दूध भरने की ध्वनियां। और आपको कैसे समझाएं साहब। बहुत खूब, स्वागत। दूसरी कविता ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, क्रॉस फायरिंग में बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की, वो छत्तीसगढ़ से निकल के आंध्र की ओर गोदावरी पार करके की उसने, हालांकि लौटाया गया वहां से, लेकिन ये जो दृश्य बनता है कि डर से और गोली खाकर और घायल होकर लोग जा रहे हैं, उस दृश्य को इस कविता में। अभी तो शब्द सहेजने की कला, अर्थ की चमक, ध्वनि का सौंदर्य, पंक्तियों में उनकी सही जगह, अष्टावक्र व्याकरण की दुरूह साधना। इसको आप करता हूं सर, स्वागत कर दीजिए। पहले करना था, कोई बात। सब सहेजने की कला, अर्थ की चमक, ध्वनि का सौंदर्य, पंक्तियों में उनकी सही समुचित जगह, अष्टावक्र व्याकरण की दुरूह साधना, शास्त्रीय भाषा बरतने का सऊर, इस जीवन में तो कठिन। कठिन, बहुत अच्छा। जीवन ही ठीक से जान लूं अब की बार, जीवन ही ठीक से जान लूं अब की बार, जीवन जिनके सबसे खालिस, सबसे सच्चे, पाक साफ अनछुए,
श्रम जल में पल पल नहाकर निखरते, श्रम जल में पल पल नहाकर निखरते, अभी तो उनकी ही जगह इन पंक्तियों में तलाशने में व्यग्र हूँ। अभी तो उनकी ही जगह इन पंक्तियों में तलाशने को व्यग्र हूँ। अभी तो हत्यारे की हंसी से झरते हर श्रृंगार की मादकता से, मताए मीडिया के आठों पहर शोर से गूंजता दिगंत हमें सुई की नोक भर अवकाश देना नहीं चाहता। अभी तो हत्यारे की हंसी से झरते हर श्रृंगार की मादकता से, मताए मीडिया के आठों पहर शोर से गूंजता दिगंत हमें सुई की नोक भर अवकाश देना नहीं चाहता। बहुत अच्छे, बहुत। अभी तो राजपथ की एक एक इंच सौंदर्य सहेजने और बरतने की अद्भुत दमक से चौंधियाई हुई है हमारी आंखें। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी तो राजपथ की एक एक इंच सौंदर्य सहेजने और बरतने की अद्भुत दमक से चौंधियाई हुई है हमारी आंखें। अभी तो राजधानी के सुर्ख होंठों से लरजने भर से, बहुत अच्छे। अभी तो राजधानी के सुर्ख होंठों के लरजने भर से असंख्य जीवन पंक्तियों से दूर छिटके जा रहे हैं। बहुत खूब। अभी तो जंगलों, पहाड़ों और खेतों को एक आभासी कुरुक्षेत्र बनाने की तैयारी जोर पकड़ रही है। अभी तो जंगलों, पहाड़ों और खेतों को एक आभासी कुरुक्षेत्र बनाने की तैयारी जोर पकड़ रही है। अभी तो राज परिवारों और सुख्यात क्षत्रिय कुलकों के नहीं, वही भूमिहीन लघु सीमांत किसानों के बेटों को अलग अलग रंग की वर्दियां पहनाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है और लहू जो बह रहा है उसे बस चंद हो जोड़े होठ टाटा हो रहे हैं। अभी तो राज परिवारों और सुख्यात क्षत्रिय कुलकों के नहीं, वही भूमिहीन लघु सीमांत किसानों के बेटों को अलग अलग रंग की वर्दियां पहनाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है और लहू जो बह रहा है उससे बस चंद जोड़े होठ टाटा हो रहे हैं। अभी तो बस्तर की इंद्रावती नदी पार कर गोदावरी की ओर बढ़ती लंबी सरल विरल काली रेखा है, जिसमें मुरिया, महारा, भैथरा, गढ़वा, कोंड, गोंड और महाश्वेता की हजारों हजार द्रौपदी संताल हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तो जीवन सहेजने का हाहाकार है। बूढ़े सास ससुर और चिड़ई चुनमुन शिशुओं पर फटे आंचल की छा है, जिसका एक टुकड़ा पति की छेद हुई छाती में फंसकर छूट गया है। क्या बात है, मार्मिक, मार्मिक। अभी तो जीवन सहेजने का हाहाकार है। बूढ़े सास ससुर और चिड़ई चुनमुन शिशुओं पर फटे आंचल की छा है, जिसका एक टुकड़ा पति की छेद हुई छाती में फंसकर छूट गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी तो तीन दिन तीन रात अनवरत चलने से तुम्बे से सूज गए पैरों की चित्कार है। अभी परसों दोपहर को निगले गए मड़ुए की रोटी की रिक्तता है, फटी गमछी और मैली धोती के टुकड़े बूढ़ों की फटी बीवाइयों को बहते खून रोकने में असमर्थ हैं, निढाल होती देह है, किंतु पछवाती बारूदी गंध गोदावरी पार ठेले जा रही है। बहुत बहुत। तीन दिन तीन रात खत्म करते हैं सर इसको। अनवरत चलने से तुम्बे से सूज गए पैरों की चित्कार है, परसों दोपहर को निगले गए मड़ुए की रोटी की रिक्तता है, फटी गमछी और मली धोती के टुकड़े बूढ़ों की फटी बीवाइयों को बहते खून रोकने में असमर्थ है, निढाल होती देह है, किंतु पिछवाती बारूदी गंध गोदावरी पार ठेले जा रही है। अभी तो कविता से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। अभी तो कविता से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा हूं, वो गेहूं की मोटी पुष्ट रोटी क्यों नहीं हो सकती। बहुत अच्छे। लपक तलवों के लिए मलहम और सूजे पैरों के लिए करंज का गरम तेल और संजीवनी बूटी। जी बहुत खूब, बहुत खूब। अभी तो चाहता हूं कविता द्रौपदी संथाल की घायल छातियों में लहू का सोता बनकर उतरे और दूध की धार भी, ताकि नन्हे शिशु तो हुलस सके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अभी तो चाहता हूँ कि कविता द्रौपदी संथाल की घायल छातियों में लहू का सोता बनकर उतरे और दूध की धार भी, ताकि नन्हे शिशु तो हुलस सके। लेकिन सौंदर्य के साधक कलावंत विलायत पलट सहेजना और बरतना ज्यादा बेहतर जानते हैं। सुचिंतित सुव्यवस्थित है शास्त्रीयता की परंपरा, आवाज रही है इतिहास में उनकी आवाज आही। अभी तो हमारी मासूम कोशिश है कि कुचैले शब्दों की ढाल ले, इतिहास के अभिजात पन्नों में बेधड़क दाखिल हो जाएं द्रौपदी संताल, सीके जानू, सत्यभामा सौरा, इरोम शर्मिला और गोरे पन्ने थोड़े संभला जाएं। अभी तो हमारी मासूम कोशिश है कुचैले शब्दों की ढाल ले, इतिहास के अभिजात पन्नों में बेधड़क दाखिल हो जाएं द्रौपदी संताल, सीके जानू, सत्यभामा सौरा, इरोम शर्मिला और गोरे पन्ने थोड़े संभला जाएं। अभी तो शब्दों को रक्त रंजित पद चिन्हों पर थरथराते पैर रख
उंगली पकड़ चलने का अभ्यास करा रहा हूँ। जोहार सर। रवीन भाई बहुत अच्छी, दोनों कविताएं आपकी अच्छी हैं और आपसे जो बातचीत हुई वो इतनी आदिवासी समाज पर इतनी गंभीर बातचीत हुई ये अनूठी है और हमको लगता है ये बातचीत काफ़ी दिनों तक याद की जाती रहेगी। दर्शकों आपने देखा कि रवीन जी की जो बातचीत है वो आदिवासी समाज है, उपन्यास में आदिवासी समाज है, कहानियों में आदिवासी समाज है, कविताओं में भी आदिवासी समाज है। तो रविंद्र एक ऐसा नाम है जो आदिवासी हमारा समाज है, आदिवासी जीवन है, उसको एक नई ताकत देते हैं, नई जबान देते हैं, नई भाषा देते हैं। रविंद्र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।